सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज रूट्स ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो आप पहले तो देख लो, ऑन हाईवे पे हम खड़े हुए हैं। 4 लेन हाईवे का एकदम ऑन रोड का ही प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है मंदाकिनी विहार, जो कि आया है आरआर इंफ्रासिटी की तरफ से। अब थोड़ा सा आपको लोकेशन हम ब्रीफ कर देते हैं फटाफट से। प्रोजेक्ट से कुछ मुख्य स्थानों की दूरी जान लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि यूपी को अन्य राज्यों से जोड़ता है, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है। किसान पथ यानी कि आउटर रिंग रोड जो कि 6 लेन हाईवे है, यहाँ से सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पे आ जाता है। जलसा रिजॉर्ट यहाँ से सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ेगा। गोसाईगंज मार्केट यहाँ से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ती है। एकाना स्टेडियम, HCLIT सिटी, फिनिक्स पलासियो, लूलू मॉल जो कि एक न्यू लखनऊ का हिस्सा है, यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर के रेडियस में। आप सब हमेशा सोचते हैं कि हम लोग कहीं अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि ऑन रोड ऑन हाईवे का हो। तो आज का प्रोजेक्ट है लखनऊ सुल्तानपुर रोड का, एकदम ऑन हाईवे का, गोसाईगंज के थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, पड़ जाता है UP 32 झापा जो कि मेरे जस्ट सामने ही पड़ा हुआ है, और उसके जस्ट पहले की साइड पड़ती है, उसके बाद UP 32 झापा पड़ता है। साइड का नाम है मंदाकिनी विहार, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग ऑन रोड पे 4 लेन हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। फायदा सबसे बड़ा यही है क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई प्रोजेक्ट मिले, अगर हम लोग किसी लैंड में इन्वेस्ट करें, कोई प्लॉट लें तो ऑन रोड का मिल जाए। बगल में यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एकदम ऑन हाईवे पे, आप यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। आउटर रिंग रोड काफ़ी नज़दीक पड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। उसके पहले आपको बता दूँ कि करीब 40 फीट का इन्होंने मेन एंट्रेंस दे रखा है। एंट्रेंस पे आपको देख आप एंट्रेंस पीछे देख सकते हैं, मेरे मंदाकिनी विहार बड़ा बड़ा लिखा है। तो चलो अंदर चलते और आपको बताते कि आप इस टाउनशिप में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पर इन्वेस्ट करने के आपको क्या क्या फायदा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है, यहाँ पे ढेर सारे इस रोड पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और बाकी भी डिटेलिंग में बात करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ रूट्स ब्लॉग में, क्योंकि रूट्स ब्लॉग आता है प्रॉपर्टी आप सबके लिए घर बैठे बिना किसी ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं मंदाकिनी विहार प्रोजेक्ट का नाम है, और करीब 40 फीट का ये मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग इन्होंने बना रखा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी टाउनशिप कितनी बड़ी, कितने बीघे की क्या डिटेलिंग। करीब 27 बीघे की ये टाउनशिप है, जहाँ पे आपको तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा मिल सकता है, नगर पंचायत अप्रूव्ड है। ये सारे क्वेश्चनिंग आती है कि तो आप जान सुन लिए, नगर पंचायत अप्रूव्ड ये साइट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑन हाईवे की साइट है, जैसा कि हम बोल नहीं रहे, आप सामने भी देख सकते हैं, एकदम हम रोड पे ही खड़े हैं, सामने हाईवे, और ये शोर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि साइट बिल्कुल ऑन हाईवे की है। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेन बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि ऑन हाईवे की साइट है, प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज़ करेगा इस साइट का। दूसरी बात ये कि इस लेन में काफ़ी ढेर सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तीसरी और सबसे खास बात कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी नज़दीक है, आउटर रिंग रोड काफ़ी नज़दीक है। आउटर रिंग रोड जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 6 लेन हाईवे, जिससे आप लखनऊ के किसी भी कोने में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकी मेन मेन डिस्टेंसेज भी बताएंगे आपको। जुड़े रहिए मेरे साथ रूट्स ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं, आप लोग साइड के अंदर आ चुके हैं। सामने ये रहा एंट्रेंस, इधर भी काफ़ी चौड़ी एंट्रेंस पे हमने आपको बताया था 40 फीट का है। अंदर की इंटरकनेक्टेड रोड जो है इनकी वो 25 और 30 फीट की है, मींस आपको ओवरऑल काफ़ी चौड़ी सड़कें मिल रही हैं। उसके अलावा जो एक पॉजिटिविटी मेरे को दिखी है, एमिनिटीज़ कह सकते हैं आप इसको, कि चारों तरफ ग्रीनरी बहुत अच्छी, इन्होंने प्लांटेशन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। और एक चीज़, पूरी कवर्ड सोसाइटी आप देख सकते हैं, फुल्ली कवर्ड गेटेड सोसाइटी रहेगी ये। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी, नाली, बिजली, पानी, और यहाँ पे 4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक का एक अपना ये पार्क रहेगा, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी पॉजिटिविटी है क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। सामने मेरे हाईवे है, सबसे प्लस पॉइंट, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग यही पूछते हैं कि ऑन हाईवे से लगी हुई साइट है कि नहीं। तो भाई आप आके ज़रूर देखिएगा, विजिट करिएगा, कॉल करिएगा, क्योंकि बिल्कुल ये ऑन हाईवे। बाकी हम आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में और बता देते हैं, जिसका नाम है मंदाकिनी विहार। हम लोग जब कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें का खास ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चों के स्कूल्स और कॉलेजेस पास में हैं कि नहीं, होटल्स, बैंकवेट्स, लॉन वगैरह हैं कि नहीं पास में, और मॉल्स कैसे हैं आसपास, मार्केट कैसा है। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ऑन हाईवे का ये प्रोजेक्ट है, होटल्स, बैंकवेट्स, ढाबा UP 32 जो कि काफ़ी फेमस ढाबा है इस एरिया का, वो भी बगल में है, स्कूल कॉलेजेस काफ़ी नज़दीक हैं, और साथ ही साथ आउटर रिंग रोड काफ़ी नज़दीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम लोग के माइंड में हमेशा आती हैं कि इस रोड पर इन्वेस्ट करने से हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने से मिलेंगी, क्योंकि ये सब आपसे नज़दीक है। प्लस गोसाईगंज मार्केट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो अगर हमें मार्केट का कोई भी काम होता है तो हम लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एमिनिटीज़ में भी आपको मिलने वाली है, ये लोग क्या शायद मार्केट भी आपको बना कर देंगे इनका।
साथ में आपको कुछ मेजर एमिनिटीज़ भी है वो भी हम बता दे रहे हैं। साइड में आपको एमिनिटीज़ के तौर पे स्कूल, हॉस्पिटल, रिजॉर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लेग्राउंड, ड्रेनेज, कम्युनिटी सेंटर, वाइड रोड और जिम और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली। इनका निजी ट्रांसफार्मर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की जो मसला है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बगल में गोसाईगंज मार्केट तो है, साथ में इनका निजी यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो जो मेन मेन एमिनिटीज़ होती हैं उनके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ भी मिलेंगी। ये यहाँ की साइड का प्लस पॉइंट है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि आप सब लोग हमेशा ढूंढते हैं, आप हम यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं सामने एकदम हाईवे है। तो हम लोग को यहाँ से बस भी मिल जाएगी, ऑटो भी मिल जाएगी, जो पब्लिक कन्वेंसेज होते हैं वो सारे हम आराम से मिल सकते हैं। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि ऑन हाईवे के साथ। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं साइड मेरे को काफ़ी अच्छी लगी जब हमको इसके इस साइड के बारे में पता चला। कई बार हमने देखा है कि लोग चाहते हैं कि ऑन हाईवे से लगी हुई डेवलप्ड साइड हो, तो वो सारी चीज़ें मेरे को दिखी तो मेरे को लगा कि हाँ ये साइड आप तक जानी चाहिए, क्योंकि रूस ब्लॉग आप सबके लिए लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बिना किसी ब्रोकेज के। तो मंदाकिनी विहार एक ऐसी साइट है जो कि सुल्तानपुर में मेन रोड 4 लेन हाईवे से लगी हुई साइट है, ऑन हाईवे पर ही है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बहुत जल्दी रेस करेगी। और इसका आप तो प्रमाण मेरे को अभी पिछले 2 महीने के वीडियोस में मिल गया। तो रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट आपके लिए हमेशा अच्छा ही साबित होता है, बट आपको सोच समझ के और सारे लीगल्स चेक करके। तो आपको पूरी साइट हमने विजिट करा दी, मेन मेन सारी चीज़ें भी बता दी हैं। अब आ जाती है वो बात जहाँ पर हम सब रुक जाते हैं कि आखिर यहाँ की प्राइसिंग क्या है। तो फटाफट सुन लीजिए कि बुकिंग अमाउंट और बुकिंग कैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम जो लैंड ले सकते हैं, मिनिमम प्लॉट साइज़ यहाँ का है 1000 स्क्वायर फीट और यहाँ की प्राइसिंग है 1599 पर स्क्वायर फीट। ऑन हाईवे से लगी हुई साइट है, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग भी है। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ पे बैंक लोन भी अवेलेबल है, नगर पंचायत अप्रूव्ड साइट है, करीब 27 बीघे की टाउनशिप है, काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ के साथ आपको मिल रही है। तो बिना देरी करते हुए अगर आप सोच रहे थे सुल्तानपुर हाईवे पर लेने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर रेजिडेंशियल पर्पज से, तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा आपके लिए। तो आप आराम से यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि रूट्स ब्लॉग आप सबके लिए लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बिना किसी ब्रोकेज के। अब हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले सारे लीगल्स चेक करना आपका काम है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी तरह से सारे लीगल्स चेक करके तभी करें। हम जल्दी मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते रहिए क्योंकि हम सब लखनऊ में। मेरे साथ वीडियो शूट करने के लिए आपको ये मेरा नंबर दिख रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके मेरे साथ शूट प्लान कर सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कॉमेंट करके बताते रहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।